अंकल जी, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित को बुलाओ जल्दी से। अरे चुप, जब तक ये दहेज में कार नहीं देंगे तब तक ना मैं मुशर्रफ को फांसी होने दूंगी और ना मैं फेरे होने दूंगी। अरे माँ, मेरी शादी हो जाने देना, क्यों निर्दलीय उम्मीदवार की तरह बीच में टांग अड़ाती है तू? टांग अड़ाने को क्या मैंने इनसे कश्मीर मांग लिया? अरे मम्मी तुम चुप करो, अगर ये भूखे नंगे है तो तू क्यों अपनी जुबान गंदी करती है? मैं तो कहता हूँ यहाँ से बिना शादी किए हुए हम वापिस घर चलते हैं खा पी कर। अरे ओ भाई, तेरी मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? क्यों मेरी शादी मिट्टी में मिला रहा है यार? तू अपना थोबड़ा बंद कर, ऐसे भिखारियों की लड़की को लेगा भी कौन? मैं तो इन पे तरस खा गई थी तरस, ऐसी लड़की को तो कोई रंडवा भी पति ना मिले। खबरदार, अब अगर किसी ने एक शब्द भी बोला ना तो हलक से जबान खींच लूंगी। एक घंटे से टुक टुक लगा रखी है और बुढ़िया तू अपने बेटे की शक्ल देखिए, काली लैची भी जैसे किसी ने कार का टायर चढ़ा दिया हो, और तू इसको घोड़ी चढ़ाने की सोच रही है। घोड़ी नहीं, इसको घर ले जाकर सूली चढ़ा, सूली। आप क्यों गुस्से होते हो जी, हम आराम से बैठकर बात करेंगे ना। ओ हेलो बुढ़िया, इसको यहाँ से लेकर जा, नहीं तो अपना लहंगा पहनाकर नॉनस्टॉप मुजरा कराऊंगी इससे। और ये अपने नकली कंगन पकड़ो और जाकर किसी बकरी को पहना देना, और मेरी तरफ तो देखना भी मत। निकल यहाँ से, निकलो, और अपने साथ अपना बुरा वक्त भी लेके जाना। अगर मुझे तेरी गंदी जुबान का पता होता ना तो मैं गाड़ी की जगह जहाज मांगती, जहाज। अब मांग ले, अब कौन सा तेरी जुबान के कीड़े लगे। मेरा दिल तो करता है तुम लोगों को लंबा लिटा के ऊपर टिश्यू पेपर बिछा दूं। तुम लोगों में आयोडीन कैल्शियम की कमी नहीं, शर्म हया की कमी है, शर्म आया की। गाड़ी तो ऐसे मांग ली जैसे पार्किंग में खड़ी करके गए हो, मुंह फाड़ने से पहले कुछ सोच लिया होता। मम्मी यहाँ हमारी बहुत बेइज्जती होगी, चलो हम दूसरा घर देखते हैं। तेरा अपना घर तो बसाने, चले भाई का घर बसाने। शक्ल देखी अपनी, गधे की पूंछ जैसी। तू अपने सिर के बाल ना उखड़वा लियो मेरे से, चलो निकलो यहाँ से। पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो, निकलो निकलो।